है, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारा जाते हैं। अगर मस्जिद वाले मंदिर जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि बड़ा ही ये हराम का काम कर रहा है। अगर मंदिर वाले मस्जिद जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत गलत काम है। जबकि हर एक धर्म का कहना ये है कि सभी भगवान एक हैं। अगर सभी भगवान एक हैं तो वही भगवान तो मस्जिद में भी रहते होंगे और मंदिर में भी रहते होंगे और गुरुद्वारा में भी रहते होंगे। सभी ये गुरु नानक और अल्लाह और भगवान अपना अपना एरिया बांट के नहीं रखते हैं। अगर बांट के नहीं रखे हैं तो इस तरह से लोग क्यों अलग अलग बांट के रखे हैं और उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जेल से ही बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी, चाहे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी निकली हो, चाहे भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी निकली हो, सब जेल से ही निकलता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि जेल से ये आइडियोलॉजी निकालेंगे कि जितने कैदी हैं वो सभी मंदिर मस्जिद जेलों में सब ले जाएंगे, क्योंकि जब भगवान एक ही है तो बांटा नहीं है, बांटा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए जेल से आइडियोलॉजी निकालेंगे कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो गुरुद्वारा भी जाएँ, वो चर्च भी जाएँ और वो मस्जिद भी जाएँ, और जो मस्जिद जाते हैं वो मंदिर भी जाएँ, गुरुद्वारा भी जाएँ और चर्च भी जाएँ। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर कि हम लोगों ने अपने जेल को एक रिजॉर्ट के रूप में बदल रखा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ गुजरात से, केरल से, झारखंड से, बिहार से, पंजाब से, बिहार के तो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो जेल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल रिजॉर्ट है। हमारा मानना है कि अगर 1500 लोग पूरे तेलंगाना जेल को रिजॉर्ट की तरह चेंज कर सकते हैं तो तेलंगाना के 3.5 करोड़ लोग पूरे तेलंगाना के गांवों को भी रिजॉर्ट में बदल सकते हैं। तो हम लोग उनको दिशा निर्देश देंगे, हम लोग उनकी सहायता करेंगे और हमारा ये लाइफ मिशन है कि तेलंगाना के हरेक गांव में पूर्ण साक्षरता हो, 100% लिटरेसी, पूरा गांव रिजॉर्ट की तरह बदले और हरिताहारण स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम पूरे तेलंगाना राष्ट्र के सभी गाँवों में पूरी तरह से करें, ताकि तेलंगाना राष्ट्र एक उदाहरण के रूप में दूसरे के सामने आए। और जैसा कि मैंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र जनता के लिए, तेलंगाना राष्ट्र सर्वोत्तम के लिए, राष्ट्र जेल शाखा एक गर्व कार्य, क्योंकि आज भारत देश में और तेलंगाना राष्ट्र में ऐसी कोई शाखा नहीं है जो जेल शाखा के बराबर है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यहाँ की जनता को बधाई देते हैं और चाहते हैं कि आने वाले कल में हम पूरे गाँवों को रिजॉर्ट के रूप में जेल की तरह परिवर्तित कर सकें। श्रीमान परेड निष्क्रमण के लिए आज्ञा प्रदान करें। Thank you.